साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल और कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू। हां 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 क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या हुजूर की जिक्र की बरकत है बेशक माशाल्लाह तरो ताला है हक हक सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं स्कूल में था जब नाशरी पढ़ने शुरू की तो मेरे वाले साहब ने एक मुझे पंजाबी का कलाम था आसा लगी हम मदीने में जहां दिया मेरी बारी ना आवे तो मैं की करा सुभान अल्लाह जानदे ने साथ दम दा की है बसा कमली वाले रोजे ते बुला सुन वाह बड़ा कलाम तो भी तो वहां से मैंने बस की उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ते रहे कलाम इकबाल तराना दुआ तो एक 88 में 89 में आके मैंने एक मुकाबला हुआ था हबीब बैंक का वो मैंने भी किया। अच्छा क्या हुआ? एक बड़ी मकबूल मेरी एक नात थी मैं क्या बताऊँ तमन्ना ये जिंदगी क्या है हजूर आप सलामत रहें कभी फर्स्ट प्राइज मैंने हासिल किया और उसके बाद फिर इसी तरह इसी काम के बीच में इससे तो बड़ी मेरी साथ हुआ क्या और जब आपने कोई वैसे इसमें कोई जाहिर है माशा अल्लाह एक तो आपका स्टाइल ही ओल्ड स्कूल का है जो अभी और दूसरी बात यह आपका स्केल सुभान अल्लाह कैसा स्केल है ये भी बात मैं जरूरी समझता हूँ क्योंकि सिंगर्स तो हम भी अपने तरफ से गा लेते हैं थोड़ा मजाक कर लेते हैं लेकिन जो स्केल पर जिस स्केल पर आप गाते हैं और माशाल्लाह कायम रहते मैंने ये भी देखा कोई 30-40 मिनट वीडियोस आपका शुरू से टू द एंड फुल स्केल माशाल्लाह असल में ये मालिक की गॉड गिफ्ट है ये तो है बेशक आवाज में ये मालिक की गॉड गिफ्ट है कोई हां उसमें उस्ताद भी शामिल है रियाज पूछना सीखना भी शामिल है वैसे आपके कोई उस्ताद थे मेरे उस्ताद थे अब्दुल कादरी साहब और वो फोत हो गए थे उसके बाद मैं जिंदा गोही साहब और अभी रिसेंट जो उस्ताद शेर अली मेरे भी खान उनसे तो थोड़ा सा सीखा पूछा है क्या है उस्तादों की दुआएं होती ये तो ये बात है ये सर ये बात है और दूसरा ये मैंने नोटिस किया कि जब आप पढ़ते हो अपना अंदाज में आप बीट यू नो टाइमिंग आपकी बीट एवरी सिंगल थिंग ये क्या आपकी कोई कोई एक्सपीरियंस ही नहीं ऐसे ये पढ़ पढ़ के हुआ है ऐसा हाँ ज़्यादा जो हुआ है ना मुझे वो क्योंकि हजरत बाबा फरीद शटर गंज रहमत अल्लाह क्योंकि आज वो ऐसी जो ना वो आप भी बैठे हैं बच्चे हैं मेरे भाई भी तो वहाँ रह के मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ कवाली 24 घंटे होती थी तो उससे भी वो एक बीट जो है ना वो बहुत दिमाग में सुनने भी रहे पढ़ते भी रहे तो उससे बड़ा ऐसे सुन सुन के प्रैक्टिस कर सकते और घर में भी कोई ऐसे कोई थे कोई भाई जो खुद पढ़ते थे आपके साथ या बस अभी कोई भी हो नहीं कोई बस आप ही खुद ही अभी छोटा भाई है वो कभी कभार पढ़ता आता अभी जरा शौक हुआ उसे अल्लाह के लिए इंशा अल्लाह भी बुलाएंगे आप इंशा अल्लाह ज्यादा मुश्किल से दे रहे इंशा अल्लाह अच्छा अस्सलामु अलैकुम MashaAllah, brother, what's your name and where are you calling from? Oh, Hafiz Saab, how are you? Alhamdulillah. MashaAllah. Alhamdulillah, this is Hafiz Najim Saab, MashaAllah. Radio Melbourne, he was doing a talk on my show about cooking. How are you, brother? You okay? How's family? Tik Tak? Alhamdulillah. MashaAllah. Are you enjoying the interview with the Hazrat? We're going to go for a short break. Okay. Inshallah. Short break, so make sure you stay tuned with us, inshallah. We have Al-Hajj Shahbaz of Fareedi with us, and we're going to hear plenty of kalams in this next set, inshallah. So see you on the rebound. Assalamu alaikum.